त्रिलोक की नौकरानी पूजा आधे घंटे पहले यहीं देखी गई है सर। हमारे पास इस घर की तलाश लेने की परमिशन नहीं है राव, तुम यहीं छुप जाओ। जी। मैं इशारा करूंगा। ओके सर। काम करो, जाओ जाओ, मेरे घर की तलाशी ले लो। परमिशन देने के लिए थैंक यू त्रिलोक मराठे। तुम जो भी सच्चाई छुपा रहे हो ना त्रिलोक, आज सब सबके सामने आ जाएगा। कमिश्नर को फोन मिला रहे हो? मिला। हेलो कल्याणी। हाँ, दोनों बहुत जिद्दी है ना, बस पापा से प्रार्थना कर रही हूँ कि उनका प्यार उनकी जिद से बड़ा हो। कितनी बेइज्जती बर्दाश्त करूं कल्याणी? I'm really sorry त्रिलोक, इनकी तरफ से भी, और मैंने अभी समझाती हूँ, ठीक है? आप चिल करो। बाहर, बाहर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपकी पिल ने तो जैसे जादू कर दिया। जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। टेस्ट में अल्कोहल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यू हैव गिवन मी अ रीजन टू स्माइल। उसकी सच्चाई तो मुझे आज पता चली है। मैं समझा नहीं, अभी तो तुम अलर्जी। आपको वो हैंडीकैम याद है? याद है, मैं उस दिन से खेल रही थी और फिर हाँ याद है। और मैंने कहा था आपसे, वो चालू रह गया था। हाँ, याद है। मल्हार जी, उस दिन जब लोग घर पे आए थे तब कल्याणी, लेकिन वो हैंडीकैम त्रिलोक ने तोड़ क्यों दिया? हाँ मल्हार जी, उसने वो तोड़ तो दिया था, लेकिन उसका डेटा कार्ड वो मेरे पास है। सुहाना देखो, आप रोना बंद करो, कैमरा ही तो था, इट्स ओके। रोना बंद करो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? क्या कहा आपने? नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है, मुझे पता है नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है। देखो कल्याणी, टेंशन मत लो, हमें डोनर चाहिए ना मोक्ष के लिए, हमें डोनर मिलेगा। मोक्ष के लिए डोनर त्रिलोक बनेगा और तुम देखते जाओ कैसे बनेगा। हम त्रिलोक पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? मेरे पास एक प्लान है। ये कंपटीशन मैं और नल के बाबा ही जीतने वाले। कर ला,
पता नहीं है कि कॉलेज के दिनों में ना मैं मॉडलिंग करती थी। टॉप की मॉडल थी मैं, एकदम टॉप की। हाँ जाओ दे। क्या सैंपल है इनका, आत्मविश्वास तो गगनचुंबी है क्या? वैसे सार्थक जी, मल्हार और कल्याणी को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हम कैसे मनाने वाले हैं? अच्छी खबर है ये तो। हाँ। सर क्या खबर है? अपना प्लान काम कर गया सर, ये लोग अपने घर से निकल चुका है। राव मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे ही त्रिलोक पुलिस स्टेशन पहुंचे उसे बातों में उलझा लेना, पुलिस स्टेशन से निकलना नहीं चाहिए वो। जी सर। ठीक है, बहुत गेम खेल लिया त्रिलोक ने, अब गेम खेलने की हमारी बारी है। त्रिलोक मुख्य डोनर भी बनेगा, वो भी हमारी शर्तों पे। हाँ कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास अभी? और मास्क निकाल के जाइए। मैं खुद का बोझ। तुम सुहाना को संभालो, मैं तलाशी लेता हूँ। एक सेकेंड, सीसीटीवी कैमरास का क्या? बंद करा दिए। अच्छा संभाल के। मैं अभी अभी इधर आई। आप क्या कर रहे थे दिखाओ? ड्राइंग कर रहे थे? आज क्या ड्रॉ किया? किस कमरे की चाबी है? और ये कमरा कहाँ पर है? घर के अंदर या घर के बाहर? घर पीछे, घर के पीछे। तो लोग तुम यहाँ कब आए और इस कमरे के बाहर क्या कर रहे? वो मैं तो अभी अभी आई हूँ त्रिलोक, और ये कमरे के बाहर मैं इसीलिए आई क्योंकि सुहाना हमेशा ये कमरा अपनी ड्राइंग बुक में ड्रॉ करती रहती है। तो मैं देख, तुम्हें इस तरह मेरे घर में तहकीकात करने की जरूरत नहीं है। सारा काम तुम ही कर लोगे क्या? चलो अभी जल्दी करो, अंदर चलो, हमें ढूंढना है। पीछे हटो। मल्हार जी, हर दरवाजा ना तोड़ने के लिए नहीं होता है,
ये कोई हिंदी फिल्म चल रही है जो आप दरवाजा तोड़ेंगे? मल्हार जी, दरवाजों की चाबियां भी होती हैं। तो बताओ ना चाबियां तुम्हारे पास? अरे तो ये तो ऑलरेडी खुला हुआ है, इसका मतलब अंदर पहले से कोई है। कल्याणी, यही फर्क है कल्याणी औरंगाबाद की बिल्ली और औरंगाबाद के सिंघम में। सुहाना बेटे, कल्याणी ने आपके लिए कस्टर्ड बनाया, जाओ खा लो, किचन में रखा है। प्यारी बच्ची है। कौन मिला मल्हार? पूजा, तुम्हारी मेड। पूजा, उसी कमरे के बाहर तुम बेहोश भी हुए थे, तुम क्या जानते थे इस बारे में? मल्हार जी, ये क्या है, आप फिर से भूल गए हैं क्या? कल्याणी मैं कुछ एक मल्हार जी, प्लीज अपने सवाल जवाब बंद करिए। सॉरी त्रिलोक। It's okay, Malhar. Are you sure? मैंने मल्हार की दिखता है ना? कहाँ है मल्हार जी? मैं आ रही हूँ। मल्हार जी, मल्हार जी। दौड़ो कल्याणी, दौड़ो। वैसे मल्हार राणे, तुमने मुझे इस घर में लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी। मल्हार जी, देखिए मैं समझाती हूँ, आप सिर्फ मुझे परेशान कर रहे हैं ना, क्योंकि आप मुझसे अपसेट थे इसलिए आप अभी मुझे सिर्फ परेशान कर रहे हैं ना। आपको मेरे पापा करने से प्रॉब्लम है ना, मैं पूरा दिन टेप लगा कर घुमा करूंगी। आज के बाद से कभी जिंदगी में कोई भी सेल्फी नहीं क्लिक करूंगी मैं मल्हार जी। और जब आपको पुराने पापा आदम के जमाने के गाने सुनेंगे ना। खुद को कुछ देर सिवा न मिला मुझको सांसों से। रोमांटिक फिल्में सड़कों के बीच में चल रही हैं इसलिए थिएटर बंद है। और अब भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि सड़क वाली रोमांटिक फिल्म का कभी अंत ना हो। इस वक्त हमारा मकसद सिर्फ त्रिलोक की सच्चाई जानने का होना चाहिए। लेकिन मल्हार जी, अगर त्रिलोक ने पिल्लू का डोनर बनने से इनकार कर दिया तो? नहीं कर पाएगा।
त्रिलोक मोक्ष का डोनर भी बनेगा और हमारा बच्चा ठीक होके घर वापस भी आएगा। त्रिलोक, इतनी जोर से मल्हार जी के पैर पे लग गई है, ऐसा लगता है कि कुछ दिनों तक तो ये चल ही नहीं पाएंगे। मल्हार, आराम से। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है त्रिलोक। मल्हार जी, क्या आप भी त्रिलोक आपकी मदद करने की ही तो कोशिश कर रहे हैं ना? अच्छा खैर, आप मेरा सहारा लीजिए और चलिए बेड पे चलिए। मल्हार जी संभाल के। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करिए और एटीट्यूड मत दिखाइए, उसको सच में लगना चाहिए कि आप पेन में, समझे आप? मल्हार जी बैठिए, मल्हार जी आराम से। चलो ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी करो और याद रहे पेन चाहिए। मल्हार जी, लेकिन आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं पहुंचूंगी त्रिलोक के मोबाइल तक। नहीं कल्याणी, त्रिलोक को पता लग गया ना तो सारा प्लान खराब हो जाएगा, हमें बहुत ध्यान रखना होगा। उसका मोबाइल हासिल करने के लिए हमें ऐसा इंसान चाहिए होगा जिस पे त्रिलोक को बिल्कुल भी शक ना हो। हाँ, कल तक तो कॉन्फर्मेशन मिल ही जाएगा। मल्हार जी, मेरे पास एक आइडिया है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा बिजी था। ये कैसा है? कैसा बना है? सुंदर है ना? मतलब हम राय लेना चाहते हैं कि हमारे वर्कर्स ने अच्छे बनाए कि नहीं। नहीं मतलब बहुत प्यार से बनाया है, तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना? अच्छा है, बहुत अच्छा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वही हमने सोचा एक बार तुम्हारी राय ले लूं तो। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। देखो ना, अभी वक्त नहीं है, जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना होगा। मुझे पता है कि त्रिलोक को कैसे रोकना है। सबसे पहले मुझे पता लगाना होगा कि उसने तीसरी टिकट किसके लिए बुक कराई है। कल्याणी, तुम एक काम करो, तुम लोग त्रिलोक को उलझाए रखो, मैं उसके घर जाता हूं, कुछ ना कुछ सुराग जरूर मिलेगा, फिक्र मत करो। ठीक है। और जब मैंने उन्हें बताया ना कि मैं कंपटीशन में आपके साथ पार्टिसिपेट कर रही हूँ तो मुंह फुलाकर बैठ गए। मुंह फुलाकर? लेकिन इसमें मुंह फुलाने की क्या जरूरत है? तुम जो भी कर रही हो अपने बच्चे के लिए कर रही हो, राइट? यू नो व्हाट कल्याणी, कभी कभी मुझे लगता है कि मल्हार के लिए ना उसके बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका ईगो।
अरे उनकी बात करके ना मुझे मेरा मूड नहीं खराब करना है। Shall we start? हाँ, मैं गाना प्ले करती हूँ बस वो। I think ये step करने से पहले हमें ये step पैर वाला revise करना चाहिए। आपको शायद समझ में नहीं आया। अभी एक और स्टेप है। So now we go sideways. Sideways? त्रिलोक के जो आदमी लोग हैं ना वो उसे बार बार फोन कर रहे हैं। 10 मिस कॉल्स थे। एक ने तो मैसेज भी किया है कि मल्हार उसके घर पर उसकी तलाशी ले रहा है। कल्याणी कुछ भी करके ना हमें त्रिलोक को उसके आदमियों के साथ बात करने से रोकना होगा। मैं काम करती हूँ, मैं त्रिलोक के घर जाती हूँ। नहीं स्वरा, नहीं तुम नहीं जा सकती, मैं चली जाती हूँ। नहीं आई, तुम भी वहाँ नहीं जाओगी और स्वरा ना तो तुम। अरे वहाँ जाने पर खतरा हो सकता है। हाँ, लेकिन कुछ तो करना होगा ना कल्याणी। नहीं, मैंने कह दिया ना, तुम दोनों में से कोई भी नहीं जाएगा वहाँ पर। वहाँ पर मैं जाऊंगी। पागल हो गए तुम? अगर तुम जाओगी तो त्रिलोक को शक नहीं होगा क्या? आई, तुम उस बात की टेंशन मत लो, मेरे पास एक आइडिया है। बोलूंगी नहीं, अभी बस लाउड म्यूजिक बजेगा, आप मेरा हाथ पकड़ेंगे और आपको म्यूजिक को फील करके मेरे साथ डांस करना है। ओके। हाँ तो फिर चलिए, अब अपना हाथ आगे बढ़ाइए, दूसरा हाथ भी दीजिए ना त्रिलोक। तुम मांगोगी तो दूंगा ना। तो अभी आप म्यूजिक फील करके मेरे साथ डांस करेंगे एंड नो चीटिंग विद द ब्लाइंडफोल्ड, ठीक है? श्योर। अगर कुछ भी गड़बड़ हो ना तो फॉर्मूला नंबर 366। लेकिन पल्लू, सिर्फ कुछ ही दिनों की बात और है, तो तू एकदम स्ट्रॉन्ग बॉय बन जाएगा ना, और फिर पूरा दिन घर में भागता रहेगा और मुझे थकाता रहेगा ना। बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा पल्लू। I love you पल्लू। दिव्या मराठे, त्रिलोक की बीवी। तो ये दिव्या आपके डिपार्टमेंट में काम करती थी? मैं और दिव्या नासिक में एक साथ पोस्टेड थे। दिव्या मेरे अंडर काम करती थी, मुझे इस पे शक था, तो एक बार मैंने इसकी जीप की चेकिंग करी और मुझे ड्रग्स का पैकेट मिला। ये भी समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही गलत हूँ? दिव्या है ही नहीं, क्योंकि उसको हमने अब तक देखा ही नहीं है। हाँ मल्हार जी, मैं चेक करती हूँ, कोई आ तो नहीं रहा है। ये जो घड़ी है ना, इसका एक वायर एक अजीब से कमरे तक जाता है। अजीब से कमरे तक मतलब? मल्हार जी यहाँ पे ना, यहाँ पे पहले मेरी फोटो थी। इसी घर में है।
तो वही दवाई है जो काम वाली पूजा के पास थी। इसका मतलब मेरा शक सही निकला कल्याणी। बल्लार जी, स्वरा। हाँ हाँ स्वरा, क्या? ओके ओके, हाँ थैंक्स। हाँ क्या हुआ? बल्लार जी त्रिलोक आ रहा है यहाँ पर। कल्याणी हमारे पास वक्त बहुत कम है, त्रिलोक के आने से पहले हमें दिव्या को ढूंढना होगा। हाँ। तुम उधर देखो, मैं उधर देखता हूँ, ढूंढो सब जगह। जी क्या कर रहे हैं आप? उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, प्यार से बोल रहा हूँ, लेकिन इसे वार्निंग समझना। कौन कल्याणी? त्रिलोक? मैं दिव्या हूँ त्रिलोक। Shut up! मैं मल्हार राणे से बदला लेना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाओ। इसीलिए बोल रहा हूं कल्याणी कि मुझे हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर दिव्या को कुछ हो गया ना तो तुम मल्हार मोक्ष खत्म। उखाड़ दूंगा। सरप्राइज। क्या करते हो तुम? वो सोवा मेरा विश्वास कीजिए मल्हार सर, मैंने कभी भी ड्रग्स की डीलिंग नहीं की थी। मेरे जीप में ड्रग्स छुपाकर त्रिलोक ने ड्रग्स का बिजनेस किया था। With a smile, ये भी देख लेते हैं। शॉक से मिस्टर त्रिलोक, आप तो पेपर्स ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। ये तो कंपटीशन के पेपर्स हैं, असली पेपर तो ये। बदमाशों को उनकी जगह दिखाने के लिए ना कई बार हम पुलिस वालों को टेढ़ी मुंह से घी निकालना पड़ता है।
क्योंकि जब तक तुम जैसे बदमाश समाज में घूमते रहेंगे ना, तब तक दिव्या जैसी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होती रहेगी। जो ड्रग्स तू बेचता है ना, उससे हमारे समाज की युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, और तुझ जैसे को जेल के अंदर करने के लिए मैंने वर्दी पहनी है। I guess it. Your game is over. स्पेशल सेल में डालो इसको। जी सर। कल हॉस्पिटल लेके जाएंगे इसे। बाय दिव्या। बाय सुहाना। बाय। आपसे मिलने पक्का आऊंगी। बाय। आ जाओ। आई 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 हमारा पिल्लू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आई मैंने टीवी में देखा है। आओ सर, मैं मेरे पिल्लू के लिए कल व्रत रखूंगी। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, जब वहां ऑपरेशन चल रहा होगा ना, तब तुम्हें यहाँ पूजा में बैठे रहना होगा। आओ साहब, आप फिक्र मत कीजिए, कल्याणी यहाँ आपके साथ पूजा करेगी जरूर। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना वहां पे। कल्याणी, वैसे भी मोक्ष को प्रार्थना की बहुत जरूरत है ना, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा कि मोक्ष के साथ क्या चल रहा है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया क्या हुआ। ठीक है, मैं हूं ना कल्याणी। क्या ही बताऊं आपको। बताओ। मल्हार जी, मैं ना शादी के सही मंत्र ढूंढ रही, क्योंकि आई एम श्योर पहले जो भी मंत्र पढ़े गए थे ना, वो सब गलत होंगे, तभी तो हमारी शादी इतनी फिल्मी तरीके से हुई है। पता भी आपको पिल्लू को शादी के मंत्र की कितनी टेंशन है कि मंत्र सही हो या नहीं। हाँ तो ठीक है, मोक्ष की टेंशन हम दूर कर देते हैं। हुँ? तब जाना कि जिंदा हूं मैं।